नमस्कार, आप देख रहे हैं EIN न्यूज। इस वक्त की हमारी खास रिपोर्ट, ओवैसी आपके साथ है या नहीं, इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ ने कुछ खास तरीके से दिया। आइए आपको बताते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद अली जिन्ना पर अखिलेश यादव के बयान का विरोध किया है। ओवैसी ने कहा, अखिलेश यादव को पहले इस्तीफा पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान बंटवारे के नाम पर जिन्ना ने ही भारत को तोड़ा था, कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। मैं RSS और BJP से भी इस मुद्दे पर किसी भी मंच पर बात करने के लिए तैयार हूं। उन लोगों को, मुसलमानों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना बंद करना चाहिए। सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर सवाल पूछे थे। वरिष्ठ पत्रकार ने सवाल पूछा था, ओवैसी चुनाव में आपके साथ हैं या आपके खिलाफ हैं? इसके जवाब में CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, ओवैसी जी बड़े नेता है, एक जन समुदाय उनके साथ है, BJP के साथ उनका कभी कोई संबंध हो पाएगा? हमारे से उनका 36 का आंकड़ा हमेशा रहेगा। हमारे पूरक तो सभी हैं, हम राजनीति में कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते। इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं और इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, ओवैसी जी और आप एक दूसरे के पूरक हैं, जितना वो बाबरी बाबरी करेंगे उतना आप राम मंदिर करेंगे। योगी आदित्यनाथ जवाब देते हैं, राम मंदिर तो वास्तविकता है, राम मंदिर को अब कौन झूठा बता सकता है। हमने जो कहा था 1949 में, 1963 में, 1979 में, 1983, 1990, 1992 में, आज हमने उसे ही सत्य साबित करके दिखाया है और आज भगवान राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हो गया है। एक अन्य इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी से योगी के द्वारा मुस्लिम टोपी नहीं पहनने के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था, योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम टोपी नहीं पहनी क्योंकि वो एक योगी है। इसके जवाब में ओवैसी ने कहा था कि अगर मैं वहां पर मौजूद होता तो कभी योगी आदित्यनाथ को टोपी पहनने के लिए नहीं देता, वो 70 साल से वैसे ही हमें टोपी पहना रहे हैं। उनसे कहता हूं कि आप देश के मुस्लिमों को हालात सुधारने पर जोर दीजिए, यही आपके लिए सबसे सही होगा। बता दें, इससे पहले सियासी गिलहरियों में चर्चा थी कि बहुमत हासिल करने के बाद BJP मुख्यमंत्री किसी और का बना सकती है, लेकिन हाल ही में अमित शाह ने अपनी एक रैली में साफ कर दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री योगी ही बनेंगे। इस वक्त की हमारी खास रिपोर्ट आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव पर और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी तीखे बयान से वार कर रहे हैं। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए AIN न्यूज़।